The 700-year-old Mugleshwar Bhairab Temple, located in a lagoon in the heart of Srinagar city, was damaged by floods in 2014. And the Jammu and Kashmir administration has taken up restoration work on it. September 2014 ke jab floods aaye, us flood ke dauran ye kafi jab water level rise ho gaye, to uske baad jo temple ka main structure hai wo sink hona shuru ho gaya. To uski wajah se kuch cracks aa gaye the is temple mein aur तभी जाकर फिर लास्ट ईयर हमने इसको टेक अप किया अंडर स्कीम फॉर रिवाइवल रेस्टोरेशन प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज. तो इस स्कीम में हमने टेक अप किया और जून 2022 में काम शुरू किया गया था और अप्रैल 2023 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा. असद सेड द टेंपल मैनेजमेंट कमिटी वाज कंसल्टेड ऑन प्रिजर्विंग द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द टेंपल बिफोर द वर्क स्टार्टेड. हेरिटेज पैटर्न पर ये इस पर काम चल रहा है. इसमें हमारा कुल DPR गया है 1,62,000,000. इसका रिवाइवल हुआ है, इनको मद्देनजर रखे हुए और उनके आदमी भी जो स्थापन के मेंबर्स बोर्ड के होते हैं वो भी यहाँ आए हैं, उनके साथ कंसल्टेशन करके हमने इसका ये काम किया है. Deputy Commissioner Mohammad Ajaz Asad said the temple is a symbol of synthesis of Shaivism and Sufism that Kashmir is known for. Local residents said they were very happy with the restoration work on the temple. ये 2014 में पूरा क्रश हुआ था मतलब फ्लड की वजह से. अब आरएमबी डिपार्टमेंट ने यहाँ ये काम किया, बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, मतलब उनके लिए वो उन लोगों ने काम अच्छा किया इधर. और जो हमारा एनजीओ है समाज स्वास्थ्य संस्था, उनका भी मैं क्रेडिट देता हूँ कि उस लोगों ने पहले यहाँ पौधा लगाया, उस पौधे का मतलब आज हमें मतलब फायदा हुआ उस चीज़ का. कश्मीरी पंडित आज उतने ज़्यादा यहाँ नहीं रह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मंदिरों को ठीक किया जा रहा है गवर्नमेंट के माध्यम से, तो उस तरीके से ये एक बहुत अच्छी मैसेज है जिससे कश्मीरी पंडित भी अगर कहीं पर रहता है उसका भी एक पॉजिटिव थॉट रिक्रिएट हो रहा है टुवर्ड इस कश्मीर. थर्ड जनरेशन को जब ये वापस मंदिर बनेंगे, थर्ड जनरेशन इनको देखेंगे तो वापस मेरे को लगता है वो प्यार मोहब्बत वापस उभरेगा. According to the officials carrying out the restoration work, no cement is being used. Only the material that was used to build the temple originally has been used.